सेबी की तरफ से रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट्स के लिए लाइसेंस के नियमों में ढील देने की तैयारी हो रही है, मामला क्या है ये? बिल्कुल, और अगर गावा सर हैं स्क्रीन पर तो गावा सर से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गावा सर भी ये इन सब कुछ सेबी कमिटीज में होते हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी ना, मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी, आप कल का ये पढ़िए जो सेबी का आया है, सेबी ने ये साफ साफ बोला है कि जितने अब इन्वेस्टर हो गए हैं और जितने अब ट्रेडर हो गए हैं उसके हिसाब से हमारे पास काफ़ी कम सेबी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। और ये एक मैं सेबी को कंग्रेचुलेट करूंगा, माधवी जी को खास तौर से, क्योंकि जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बोला है कि नहीं, हम इस पर विचार कर रहे हैं। और उन्होंने फाइनली इस पर काम किया है कि रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का नियम आसान किया जाए। देखिए क्या होता है, अगर रूल टफ होंगे ना बहुत ज़्यादा, अब मतलब कई कई लोग हैं जिनको लगता है कि यार मैं हो सकता हूँ लेकिन बहुत टफ रूल्स हैं, मैं वाया रूट से करूँगा। हाँ मैं एग्जैक्टली, लेकिन अगर आपने रूल्स इजी कर दिए, मैं तो कहूँगा कि कई ऐसे इवन इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो अब चाहेंगे कि ठीक है हम ले लेते हैं ना सभी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, वाई नॉट। तो एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बजाय अब ग्रेजुएशन, ये एक रूल हो सकता है, उसमें हो सकता है एक्सपीरियंस, नेटवर्थ, ये थोड़ी सी उन्होंने कहा है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो कम हो सकती हैं। आईए और आरए दोनों ट्रेडिंग कॉस्ट दे सकते हैं, ये एक बड़ी चीज़ होगी। आईए और आरए दोनों लाइसेंस ले सकते हो आप, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और एक और चीज़ जो मैं पढ़ रहा था जो इस कंसल्टेशन जो जिस पेपर में थी कि अब आप हाँ आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा, तो वो इंटरेस्टिंग है, वो ठीक है, वो करना चाहिए सबको। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी चीज़ है। मैं बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ ये है कि सभी चाहता है कि अब रजिस्टर्ड एनालिस्ट और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स थोड़े बढ़ें, भले ही थोड़ी उनके लिए थोड़ी सी ढील देनी पड़े आपको, लेकिन ज़्यादा रजिस्टर्ड सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट हों, इसको सिस्टम की ज़रूरत है। गावा सर गुड मॉर्निंग, आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? गुड मैन, इनफैक्ट यस, ये मैंने पेपर देखा था कुछ लास्ट वीक जब मैं कमेटी में गया था, रिलीज कल हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि वाइडन करना है बेस। एक बार बेस वाइडन हो जाता है कंट्रोल तो हम फिर भी ला सकते हैं। लोग आ नहीं रहे थे, रिसर्च एनालिस्ट कोई सर्टिफिकेट ले नहीं रहा था, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था। अब इससे काफी लोग रजिस्टर हो जाएंगे, कंट्रोल तो हम कब भी ला सकते हैं, और कंट्रोल्स काफी अच्छे हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी सभी को बता दूं, सेबी का जो रूल्स रेगुलेशन जो भी आते हैं नियम, वो सिर्फ इन्वेस्टर के हित में, ट्रेडर्स के हित में, और कोई उनके सामने नहीं। हाँ सिर्फ एक ही बात का थोड़ा दिक्कत है कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, वो था कि केवाईसी के लिए रॉम्स फॉर आरए, कि हम क्लाइंट से बात भी नहीं करते, इट्स लाइक ऑफ द शेल्फ कोलगेट पुश ले लिया या कोई दूसरा, एक हम जैसे सुपर मार्केट में जाते हैं तो हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो नॉर्मली हमारे वेबसाइट पे लोग आकर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए केवाईसी दिक्कत होगी। खाली इतना ही मैंने रिक्वेस्ट किया था उनको, वो फिलहाल माने नहीं है, लेकिन उस पर थोड़ा और रेसिस्टिंग करूंगा मैं काफी हद तक। बाकी अदरवाइज इज ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए और ट्रेडर्स के हित में और कुछ नहीं, उनका एब्सोल्युटली फोकस वेरी क्लियर है। इनफैक्ट आई रियली आई एम ग्लैड कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, ये है सेबी का बढ़िया सा कदम जिस पे अभी डिस्कशन हुआ। पैनल दिख ही रहा था आपको, रख दीजिए फिर पैनल को स्क्रीन पे और लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग।